दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले जो अपन मैच होने वाले हैं राजपूत वर्सेस मराठा अरेबियंस के बीच में, इस मैच को यहाँ पर हम कवर करेंगे। देखेंगे आपके लिए इस मैच में क्या बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकती है, यानी कि कौन सी वो प्लेइंग 11 है जिसका टीम जाना चाहेगी, और आपके लिए क्या कुछ बेस्ट प्लेयर इस मैच के लिए रहने वाले हैं। सारी कुछ स्ट्रेटजी यहाँ पर डिस्कस करूँगा, क्या पॉसिबल टीम्स है जो हेड टू हेड के मैच में आपको देखने को मिलेंगी, ग्रैंड लीग में क्या ऑप्शन अवेलेबल है, वो सब यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो हाय दोस्तों, दिस इज शो एंड यू आर वॉचिंग ड्रीम 11 प्लेइंग 11, वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर फैंटेसी क्रिकेट। तो गाइज, अभी तक की अगर सफर की बात करें तो दोनों ही टीमों अपने तीन तीन मैचेस खेले हैं, जिसमें से एक मैच विन करा है राजपूत की टीम ने तीन मैच खेलकर, और उसमें से एक हार गई थी और एक मैच हुआ नहीं था। बात करें मराठा की टीम की, तो इन्होंने तीन में से एक मैच विन किया है और एक दोनों मैच हारे हैं। ठीक है, तो ये दो मैच हारे एक मैच विन करे मराठा की टीम, और राजपूत की टीम की बात करें तो एक मैच हारे एक मैच विन करे और एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं रहा था, यानी कि अबेंडेंट हो गया था मैच। तो गाइज, यहां पर आपके लिए जो बेटर टीम होगी दोनों ही टीमों से, मुझे लगता है कि दोनों ही टीमें इक्वली स्ट्रांग है। आपको एक बैलेंस टीम बनानी चाहिए, बायस टीम बिल्कुल मत बनाना। एक तरफा टीम अगर बनाओगे तो बहुत हाई चांस रहेगा कि आप या तो बहुत अच्छी रैंक पे पहुंचोगे या बहुत बेकार रैंक पे पहुंचोगे। तो आपसे यही बोलूंगा, अगर आप हेड टू हेड मैच खेल रहे हो तो एक बैलेंस टीम बनाने की आप कोशिश करिएगा। आपके लिए एक बैलेंस टीम मैंने यहां पर बनाई है। उससे पहले बात कर लेते क्या कुछ इस मैच में प्लेइंग 11 हो सकती है, पॉसिबल चेंजेस क्या क्या है, और आपके लिए की प्लेयर्स क्या होंगे। तो गाइस, यहाँ पर आप देख रहे हो मैं आपके लिए क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके चलते मैं दिन में शायद एक या दो वीडियो डाल पाता हूँ, तो ज़्यादा बल्क में वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ, एक साथ दो तीन वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, बिकॉज उसमें फिर हम पूरा डीप एनालाइज नहीं कर पाते, इसलिए एक या दो वीडियो डालूंगा, बट अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे। बात करते हैं यहाँ पर इस मैच की, तो राजपूत की टीम ने जो लास्ट मैच में प्लेइंग 11 रखी थी वो आपके सामने रही। आप देख सकते हो यहाँ पर मोहम्मद शहजाद ने ओपन किया था ब्रेंडम मैकलम के साथ, फिर यहाँ पर रूसो आए थे, फिर लॉरी एवांस आए थे, फिर कार्लोस ब्रैथवेट आए थे, फिर बैंडंक मुस्तफ़ा, फिर यहाँ पर टिमल मिल्स, मुनाफ पटेल, शेद शहजाद और कायस अहमद। और यहाँ पर इनकी बेंच आप देख सकते हो, बेंच में यहाँ पर ओशन थॉमस हैं, पीटर ट्रैगो हैं, करीम जनात हैं, अशफाक अहमद हैं जो कि एक यूएई के प्लेयर हैं। अगर रोहन मुस्तफ़ा को रेस्ट देते हैं तो यहाँ पर अशफाक अहमद को खिला सकते हैं, फिर समित पटेल हैं। यहाँ पर सारे बोलर्स का मैंने स्टाइल भी लिख दिया, यानी कि किस टाइप से कौन सा बॉलर बॉलिंग करता है, तो इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि लास्ट मैच में यार फास्ट बॉलर्स ने विकेट निकाले थे या फिर इस सीरीज में फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिल रही है, तो आपको देखने को मिल जाता है कौन से यहाँ पर फास्ट बॉलर हैं, कौन से ऑफ ब्रेक लेग ब्रेक हैं और किसको क्यों हेल्प मिल रही, क्या उनका बॉलिंग स्टाइल। तो यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है। कार्लोस ब्रैथवेट एक राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं, मुस्तफा की बात करें तो राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट, टिमल मिल्स अभी तक कुछ खास नहीं कर पाए, राइट आर्म फास्ट मीडियम, मुनाफ पटेल है शेजाद लेफ्ट आर्म मीडियम है, और कायस अहमद राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर है। तो यहां पर इनका स्टाइल मैंने यहां पर लिख दिया है। ओसेन थॉमस यहां पर राइट आर्म फास्ट मीडियम है, तो अगर टीम इनको लाना चाहती है तो मेरे हिसाब से किसी राइट आर्म फास्ट मीडियम की जगह पर ही लाना चाहेगी। बात करते हैं यहाँ पर मराठा अरेबियंस की, तो मराठा अरेबियंस की जो लास्ट मैच में प्लेइंग 11 थी वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर हजरत जदई ने यहाँ पर ओपन किया था एलेक्स हेल्स के साथ, फिर ब्रेंडन टेलर आए थे। यहाँ पर आपको बदू हजरत जदई जो है वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और एलेक्स हेल्स जो है वो राइट हैंडेड बैट्समैन है, तो लेफ्ट राइट का यहाँ पर कॉम्बिनेशन टीम बनाकर चलती है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि टॉप के चार या पाँच जो प्लेयर रहेंगे उसमें कम से कम दो लेफ्ट हैंडेड और तीन राइट हैंडेड बैट्समैन होंगे, बिकॉज ये जो कोऑर्डिनेशन होता है बैटिंग में वो बहुत यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव होता है बॉलर्स के लिए। बॉलर्स इसमें बहुत पिटाई खाते हैं अगर कॉम्बिनेशन लेफ्ट हैंड राइट हैंड का हो, तो यहां पर दिक्कत हो जाती है बॉलर्स को। ठीक है, तो यहां पर आपको बताऊं एडम लिथ के भी इस मैच में हाई चांस है खेलने के। एडम लिथ जो है वो एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, बट हजरत जदई की जगह पे नहीं आएंगे, वो जदई यहां पर परफॉर्मिंग प्लेयर है और आपको पता है एक मैच में बहुत शानदार परफॉर्मेंस भी दिया। एलेक्स हेल्स थोड़ा सा लूज कर रहे हैं, तो मे बी देयर इज अ चांस कि एलेक्स हेल्स को रेस्ट देकर एडम लिथ को लाया जाए, बहुत हल्का सा चांस है इसका, इसकी मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता, बट अगर टीम चाहे तो मेरे हिसाब से इनको लाना चाहिए, बट ऐसा करेगी नहीं, बिकॉज अगर ऐसा करती है तो जजई भी लेफ्ट हैंडेड है, एडम लिथ भी लेफ्ट हैंडेड है। ठीक है, तो दो लेफ्ट हैंड मेरे हिसाब से ओपनिंग नहीं करवाएंगे, एडम लिथ को फिर फर्स्ट डाउन भेजेंगे और किसी और प्लेयर से ओपन करवा सकते हैं। अगर एडम लिथ को खिलाते हैं तो जजई और एडम लिथ ओपन तो नहीं करेंगे, बिकॉज दोनों के दोनों लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और एलेक्स हिल जो है वो राइट हैंडेड बैट्समैन है, तो अगर इन्हीं को ओपन कराते हैं तो फर्स्ट डाउन यहाँ पर एडम लिथ को भेज सकते हैं। तो ऐसा कुछ करने देखने को आपको मिल सकता है। कभी कभी आपको देखने को मिला होगा कि फर्स्ट डाउन कोई प्लेयर जाता है और दूसरे मैच में वो सेकंड डाउन जाता है, तो वो इसलिए जाता है क्योंकि देखो फर्स्ट जो ओपनिंग प्लेयर हो अगर उसमें से राइट हैंडेड बैट्समैन आउट होता है तो टीम चाहती है कि राइट हैंडेड बैट्समैन को भेजे, अगर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आउट होता है तो टीम चाहती है किसी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को भेजे ताकि बॉलर्स पे वो डोमिनेट कर सके। ठीक है, तो कभी कभी आपको देखने को मिलता होगा यार कि प्लेयर तो लास्ट मैच पर तीन नंबर पर आया था, इसमें चार नंबर पर क्यों आया, तो कभी कभी ये सब भी हो जाता है। तो आपको मैं सब कुछ डिटेल में बताता हूं, आप भी थोड़ा सा और एनालाइज करोगे तो आप एक बेस्ट टीम बना पाओगे। यहां पर बात करें इनके बैटिंग ऑर्डर की, तो लास्ट मैच में यहां पर जदई ने ओपन किया हेल्स के साथ, फिर यहां पर फर्स्ट डाउन ब्रेंडन टेलर आए थे, फिर नजीबुल्लाह ज़ादरान आए,
आए थे, फिर यहाँ पर राशिद खान और ड्वेन ब्रावो, जेम्स फॉकनर, वंदर मरवे, रिचर्ड ग्लीसन, एस बद्रीनाथ, जहूर खान, तो ये यहाँ पर प्लेइंग 11 थी। इस मैच में हाई चांस बस एडम लिथ का मुझे लग रहा है। अच्छे प्लेयर है T20 फॉर्मेट की और T10 क्रिकेट में तो फिर कमाल कर सकते हैं, बहुत डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है, तो मेरे हिसाब से इनको टीम को लाना चाहिए। तो ये तो हो गई बात यहाँ पर प्लेइंग 11 की। अब बात करेंगे यहाँ पर हम ड्रीम 11 की टीम की और देखते हैं आपके लिए क्या बेस्ट टीम यहाँ पर हम बना सकते हैं। गाइज़ अगर यहाँ पे टीम चाहे तो मेरे हिसाब से मराठा की टीम थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकती है, बिकॉज मराठा की टीम लास्ट मैच अपना हार गई थी और 9 ओवर में इन्होंने 94 के आसपास रन्स बनाए थे और सामने वाली जो नॉर्दर्न वॉरियर्स की टीम थी उसने 7 ओवर में ही इसको चेस कर लिया था। हालांकि बैट्समैन फ्लॉप गए थे, बट आपसे ये बोलूँगा कि देखो थोड़े बहुत जो चेंजेस हैं जहाँ पर जो छोटे मोटे प्लेयर हैं जो उनको एक आध मैच के लिए लाते हैं उनको आप अपनी टीम में मत लेना, बिकॉज वो इस मैच में बहुत ज़्यादा रिस्की रहने वाले हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉपर प्लेयर हैं जो अच्छा खेल रहे हैं, 2 ओवर पूरे करा रहे हैं या फिर जो अच्छी खासी बैटिंग पोजीशन पा रहे हैं, की कंपोनेंट प्लेयर हैं उनको अपनी टीम में रखना है। यहाँ पर 3 टीमें आपके लिए बेस्ट बन सकती है, इसमें T1, T2, T3 होंगी। सारी टीमें सेम है, बस यहाँ पर आप देख सकते हो एक प्लेयर का यहाँ पर झोल है। हर टीम में यहाँ पर एक प्लेयर थोड़ा सा अलग है, बिकॉज हेड टू हेड के मैच में आपको मेरे हिसाब से यही 3 टीमें मिलने वाली हैं और इन 3 टीम के अलावा मुझे लगता नहीं आपको और कोई सी टीम मिलेगी। इन 3 टीमों में क्या खासियत है, कौन से प्लेयर यहाँ पर थोड़े बहुत स्वैप करें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। और आप मान के चलिए कि यहाँ पर जितनी भी आप हेड टू हेड की लीग खेलोगे सेम टू सेम टीमें आपको मिलेंगी, यानी कि कैप्टन मोहम्मद शहजाद, वाइस कैप्टन ब्रेंडन टेलर, और इसके अलावा टीम में एक आध दो चेंज होंगे वो हर टीम में आपको मैं दिखा दूंगा। टीम 1, टीम 2, टीम 3 में क्या क्या चेंजेस करके आप टीम बना सकते हो, आपको जो टीम अच्छी लगती हो आप उसके साथ जा सकते हो जो आपको लगता हो। सबसे पहले टीम 1 में आपको दिखा दूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो को पॉज करके। बात करते हैं अब यहां पर टीम 2 की, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को पॉज करके। अब बात करते हैं यहां पर टीम 3 की, इसका भी आप यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो गाइज अब देख लेते हैं क्या कुछ हमने टीम बनाई है, क्या क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में, तो कामरान अकमल को लास्ट मैच नहीं खिलाया गया था, एक्सपेक्टेड इस मैच में भी बाहर ही बैठेंगे। तो यहाँ पर आप ले लो मोहम्मद शहजाद को जो कि बहुत शानदार प्लेयर हैं। आपको बता दूँ कि डोपिंग वोपिंग में ये फंस जाते हैं, यानी कि आप कह सकते हो यार स्टेरॉयड वगैरह लेके खेलते हैं और बहुत बार फंसे, ऐसा नहीं है और इसलिए इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा रहता है। सही बता रहा हूँ, आप इनके रिकॉर्ड देख लो पुराने, कभी ना कभी कुछ ना कुछ डोपिंग मामले में फंस ही जाते हैं मोहम्मद शहजाद, बट हमारा तो फ़ायदा हो रहा है इनको लेने में, तो इनको ले लो भैया टीम में। ये हो गए हमारे विकेट कीपर। बात करते हैं अब बैटिंग सेक्शन में, तो यहाँ पर ब्रैंडन मैकलम को मैंने लिया है जो कि हाई रेटेड प्लेयर इस मैच में रहेंगे, फिर हज़रतुल्लाह ज़दई को लिया है और लॉरी एवांस, ये 3 प्लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर लॉरी एवांस थोड़े से नीचे बैटिंग करने आते हैं, सेकंड डाउन जनरली बैटिंग करने आ रहे हैं फिलहाल तो, बट बैटिंग तो इनकी आई जाती है। अगर इनके पहले के प्लेयर जल्दी आउट हो जाते तो लॉरी एवांस यहाँ पर 50-40 रन के आसपास भी लगा सकते हैं। तो लॉरी एवांस बहुत इंपॉर्टेंट है, हज़रतुल्लाह ज़दई इंपॉर्टेंट है और ब्रैंडन मैकलम इंपॉर्टेंट, ये 3 प्लेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर चाहो तो नजीबुल्लाह ज़ादरान को ले लो, चाहो तो यहाँ पर आप रूसो को तो नहीं ले पाओगे, हिल्स को नहीं ले पाओगे, क्रेडिट की प्रॉब्लम है, या तो आप ज़ादरान को ले पाओगे या ब्रैंडन टेलर, ये 2 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। या तो ब्रैंडन टेलर को आप ले लो या फिर ले लो आप यहाँ पर नजीबुल्लाह ज़ादरान को। ज़ादरान का फॉर्म लास्ट मैच में अच्छा था, उसके पहले भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस इन्होंने दिया था, हालांकि थोड़ा नीचे बैठ करने आते हैं बट ठीक ठाक प्लेयर है। बात की ऑलराउंडर सेक्शन में, तो 3 प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिकॉज तीनों जो है वो अपने 1-2 ओवर पूरे कराते हैं, लगभग 2 ओवर ही करा लेते हैं और बैटिंग पोजीशन पर भी ठीक ठाक आते हैं। खास करके राशिद खान और कार्लोस ब्रैथवेट तो अच्छी बैटिंग पोजीशन पर आ रहे हैं, ब्रावो थोड़े से नीचे आ रहे हैं, बट ब्रावो आप जानते हो की कंपोनेंट है और कभी भी यहाँ पर 2-3 विकेट आराम से चटका सकते हैं, अच्छे बॉलर हैं और बैटिंग में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर लेते जब इनकी बैटिंग आ जाती है। तो ये 3 प्लेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे मेरे हिसाब से, आपको इनमें से किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। ग्रैंड लीग खेल है तो जेम्स फॉकनर को आप ट्राई कर सकते हो। बॉलिंग में बात करें तो बॉलिंग में यहाँ पर मैंने मुनाफ पटेल को लिया है, शहजाद को लिया है और रिचर्ड ग्लीसन को लिया है। यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर रिचर्ड ग्लीसन का देखने को मिल रहा है, बाकी और कोई बॉलर मुझे इतना कोई खास लगा नहीं। मुनाफ पटेल को आप ले सकते हो, लास्ट में जो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। शहजाद की बात करें तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। यहाँ पर कायस अहमद को भी आप चाहो तो कंसीडर कर सकते हो, बट लास्ट मैच में इनको कोई सफलता वगैरह नहीं मिली थी। टिमल मिल्स की बात करें तो लगभग हर ही मैच में पिटाई इनकी हो रही है, तो आप चाहो तो उनको ले सकते हो, बट मैं यहाँ पर इनको नेगलेक्ट कर रहा हूँ। बात करें यहाँ पर अब कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन की बेस्ट चॉइस यहाँ पर मोहम्मद शहजाद की, जो कि विकेट कीपरिंग भी करेंगे और ओपन भी करते हैं और आपको पता है बहुत शानदार प्लेयर है, पहले मैच में इन्होंने दिखा दिया था। और इसके अलावा जब भी ये APL खेले थे, यानी अफगानिस्तान प्रीमियर लीग खेले थे, उसमें भी आप देख रहे होगे मोस्ट ऑफ द टूर्नामेंट्स में यही सबके कैप्टन होते थे और यही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रन्स लगाते थे। तो पाकतिया की टीम से ये खेलते हैं आपको पता है APL में, और उसमें भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा खासा रहा था। तो कैप्टन तो बेस्ट यार देखो मोहम्मद शहजाद ही रहेंगे, अच्छे खासे ओपनर हैं, एक बार चल गए तो अच्छा खासा स्कोर लगा सकते हैं और विकेट कीपिंग के पॉइंट दिलाएंगे। वाइस कैप्टन की बात करें तो आप अपना वाइस कैप्टन अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, ब्रैंडन मैकलम अच्छे ऑप्शन है, ज़ाई अच्छे ऑप्शन है। इसके अलावा बात करें तो लॉरी एवांस को भी आप ट्राई कर सकते हो। रूसो हिल्स को यहाँ पर मैंने इग्नोर किया है, तो आपको बता दूँ रूसो हिल्स को मैंने दूसरी तीसरी टीम में अपनी ले रखा है और उसके एवज में मैंने यहां पर कार्लोस ब्रैथवेट को एक टीम में हटा दिया। आप देख रहे हो यहां पर मैंने कार्लोस को हटा के मैंने रूसो को टीम में रख लिया है, यहां पर एक ऑलराउंडर से कार्लोस हटा दिए और रूसो को टीम में ले आया, बस इतना सा यहां पर इसमें चेंज है टीम 2 में। टीम 3 की बात करें तो यहां पर भी मैंने कार्लोस को हटा के रूसो को नहीं लाया, मैं यहां पर लाया हूं
आप देख सकते हो एलेक्स हिल्स को। तो ये तीन टाइप की टीमें आपको हेड टू हेड के मैच में देख सकती हैं, बिकॉज कौन क्या सोचता है उस वो हम डायरेक्टली प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, बट एक आपको सर्किल दे सकते हैं कि भाई देखो इस रेंज में यहाँ पर प्लेयर्स मूव होंगे, यानी कि टीम तो आपको लगभग सेम ही मिलेगी। आपको बहुत से बहुत चीज दिखेगा कि यहाँ पर ब्रैथ वेट को हटा के प्लेयर्स जो हैं हेड टू हेड की जो मैच खेल रहे हैं वो या तो एलेक्स हिल्स को ले लेंगे या फिर रूसो को ले लेंगे या फिर हो सकता है ब्रैथ वेट को भी ले लें, ठीक है। तो ये तीन ही पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से इस मैच में रहने वाली है। तो आप अपने हिसाब से देखो, ग्रैंड लीग अगर खेल रहे हो तो ये तीन टीमें आप लगा दो और इनमें से आप एक आध का परफॉर्मेंस जो बेस्ट आपको लगता है जो आप हो सकता है वो टीम को आप हेड टू हेड में लगा लो, यानी आपको जो लगता है इन तीन टीमों से बेस्ट परफॉर्म कर सकती है उसको आप हेड टू हेड में लगा दो, बाकी इन तीन टीमों को आप ग्रैंड लीग में उतार सकते हो। मोस्ट कॉमन टीमें ये रहने वाली हैं, हेड टू हेड के सारे मैच में यही मेन टीमें आपको देखने को मिलेंगी। बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, या देखो स्मॉल लीग में अगर खेल रहे हो तो शहजाद, ब्रेंडन मैकलम फर्स्ट चॉइस रहने वाली है और सेकंड चॉइस में हजरतुल्ला जजई और लॉरी एवांस रहेंगे। ये तीन चार प्लेयर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड लीग की बात की तो राशिद खान के साथ जा सकते हो, टॉप ऑर्डर बैटिंग करते हैं, जिस दिन इनको दो तीन विकेट मिल गए और बैटिंग में अच्छा परफॉर्म कर दिया तो आपको ग्रैंड लीग तक विन करवा सकते हैं। राशिद खान बेहतरीन प्लेयर है, बस यही है कि टी10 क्रिकेट में यहाँ पर अगर विकेट जल्दी गिरते तो राशिद खान बैटिंग कर पाएंगे, जो कि अच्छे खासे बैट्समैन भी है और बॉलर भी है। तो ग्रैंड लीग के लिए ये ऑप्शन रहेगी, बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन जो बेस्ट है वो या देखो मकलम और शहजादी रहने वाले। तो गाइस अब वीडियो यहाँ पर करते हैं खत्म। आपको बता दूं जो मैंने यहाँ पर आपको नोट्स में प्लेयर्स दिखाए थे प्लेइंग 11 और जो मैं बॉलर्स का स्टाइल वगैरह लिखता हूँ वो सब मैं अपनी वेबसाइट www.dream11playing11.in पे भी डाल देता हूँ, तो आप उसको भी चेकआउट एक बार कर लें। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर आप www.dream11playing11.in पे जब आओगे तब आपको यहाँ पर हमारा ब्लॉग दिख जाएगा और ब्लॉग में हम सारी टीमें अपडेट कर देते हैं, जो भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो सब भी आपको थोड़ा शेयर कर देते हैं, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। और इसके अलावा जो हमारे विनर्स वगैरह थे, लास्ट सरप्राइज कॉन्टेस्ट वगैरह हम टेलीग्राम पर रखते हैं, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर हम सरप्राइज कॉन्टेस्ट रखते हैं और वहाँ पर आपके पास एक विनिंग का चांस होता है। कभी कभी हम कॉन्टेस्ट क्वेश्चन सिर्फ टेलीग्राम पर डालते हैं, आपने कल देखा होगा कल मुश्किल से 150 लोगों ने पार्टिसिपेट करा, 170 लोगों ने, उसमें भी यहाँ पर एक बंदे ने विन किया और उसको हमने विनिंग भी दे दी तुरंत की तुरंत। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर जो लास्ट मैच के हमारे कॉन्टेस्ट विनर थे वो थे यहाँ पर अश्विन मिश्रा, और इन्होंने यहाँ पर सही प्रेडिक्शन किया था और इनको यहाँ पर पेमेंट भी कर दिया गया था। आप देख सकते हो यहाँ पर प्रूफ वगैरह भी हम दे देते हैं। तो टाइम टू टाइम यहाँ पर कॉन्टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको टाइम पर न्यूज़ वगैरह मिलती रहे, लास्ट मिनट न्यूज़, और इसके अलावा कॉन्टेस्ट का भी आप फायदा उठा पाएं। तो गाइस फिलहाल के इतना ही, ओके गाइस बाय।